हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही है क्लास युवराज बैच की मित्रों, और हमारा युवराज बैच में टेंस चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले। इसके पहले हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया है, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको याद कराया देता हूँ कि पास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इसके पहले हमने जो पास्ट टेंस स्टार्ट किए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पास्ट टेंस में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ाया था? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान थी था, थे, थे, था, थी, थे, ये वाली चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी पास्ट इंडेफिनिट में। फिर मैंने आपको पढ़ाया पास्ट का कंटिन्यूअस। क्या मैंने पढ़ा आपको? पास्ट का कंटिन्यूअस, जिसमें आपका रहा था, रही थी और रहे थे, रहे थे, ये मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में जो पहचान थी वो थी चुका था, चुकी थी और चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना? या लिया था, ली थी, ये थी, ये थे, ठीक है ना? ये था, ये थी, ये थे, ऐसे है। खाया था, खाई थी, खाए थे। तो ये था पास्ट परफेक्ट। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं बोलूँगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं बच्चों। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि इसमें जो कोई काम है वो पहले से हो रहा था, पहले से हो रहा था, कोई काम चलता आ रहा है और वो पहले से हो रहा था। तो इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है बच्चों, इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। मैंने बताया है कि कोई काम, कोई वर्क है, ओके, पहले से होता आ रहा था, आ रहा था, समझ गया ना? मतलब इसमें आपको समय दिया रहेगा, आपको समय दिया रहेगा, और कोई चीज होती रहेगी, कोई चीज होती रहेगी। पास्ट की कोई बात बताई जाएगी कि कोई चीज होती रहेगी। जैसे जब युवराज, ऐसा समझ लो, जिस दिन युवराज का बर्थडे था, जिस दिन युवराज का बर्थडे था, उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, हो रही थी। मजे की बात देखो बच्चों, जिस दिन युवराज का बर्थडे था उस दिन बारिश सुबह से हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी तब भी हो रही थी, और समय भी दिया है जिस दिन युवराज का बर्थडे था, जिस दिन युवराज का बर्थडे था, समझ गए ना? शाम 5 बजे से बारिश हो रही थी, मतलब आप पुरानी बात तो बता रहे हो मगर पुरानी बात में कोई काम लगातार चलता आ रहा था। बोलो हाँ या ना? बात पुरानी है मगर कोई काम लगातार चलता आ रहा था, तो वहां पर लगेगा पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो ये टेंस का तरीका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, लिखा है अपने सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गई बड़ी स्लाइड। तो देखिए क्या लिखा है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग किया जाएगा, वैसे जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता था। बस फर्क इतना है कि इसमें समय के बारे में बताया जाएगा। और जब भी हम समय का इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक सेंस का और फार का। सेंस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? निश्चित समय के लिए, जब समय पता हो आपको, सुबह से, शाम से, 2 तारीख से, गांधी जयंती से, रमेश के बर्थडे से, तब सेंस का इस्तेमाल करते हैं। अनिश्चित समय का इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर का। 2 घंटे से खेल रहा है तो कोई टाइम नहीं है आपके पास, क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्या टाइम का ड्यूरेशन, टाइम का गैप दिया गया है मगर एग्जैक्ट समय आपको नहीं दिया गया है, तब आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं?
फॉर का। तो आइए दोस्तों, आ चुकी है मेन इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे हमें देखना है कि इसका कैसे कोडिंग होती है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये आपका सबसे पहले मैं अफर्मेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हिंदी में बोलते हैं इनको सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। बच्चों, सकारात्मक का मीनिंग होता है जिसमें कोई निगेशन ना हो, जिसमें कोई निगेटिव बात ना हो, जिसमें प्रश्न ना पूछा गया हो, उसको हम सकारात्मक बोलते हैं। बोलो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट की पहचान हैड। कोई काम चलता आ रहा है उसके लिए बीन। कोई काम चलता आ रहा है उसके लिए बीन। पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट के लिए बीन, चलता आ रहा है बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा? आई एन जी। और साथ में क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा फिर उसके बाद? सिंस या फॉर। सिंस या उसके बाद जो भी होगा बाकी चीजें लिख देना, ठीक है ना। चलो, तो मैंने देख लिया है कि इसका क्या कैसा इसका हमको अरेंज करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको इसका तरीका। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लगेंगे? हैड बीन। फिर इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और फिर लगाएंगे टाइमिंग, है ना। टाइमिंग के लिए सेंस का इस्तेमाल करोगे या फॉर का इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल सही बच्चों। तो चलो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि आँख बंद करके सुनिए और इसका इंग्लिश निकालने का प्रयास करिए। जैसे हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, देखिए यहाँ मैं सेट करता हूँ इसको। सेंटेंस है आपके पास में, हम, देखिए क्या है सेंटेंस आपके पास में, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट क्या है? हम की जगह क्या आएगा? वी हैड बीन। वी हैड बीन, है ना। के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, गोइंग। वी हैड बीन गोइंग स्कूल। वी हैव गोइंग स्कूल। ओके, सोमवार से। सोमवार फिक्स है कि नहीं है? फिक्स फिक्स है। सोमवार क्या है? फिक्स टाइम। सिंस मंडे। सिंस मंडे। सिंस क्या होगा? मंडे। वी हैड बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। देखिए, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, बहुत बढ़िया। प्रपोजिशन आएगा किसी जगह के लिए। प्रपोजिशन क्या लगता है? टू। क्या लगता है प्रपोजिशन? टू। तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चलिए बताइए, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आंख बंद करिए, बताइए मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग। वॉकिंग क्या होगा? पार्क में, पार्क के अंदर, बीच में, इन। हाँ, वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सही, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला सेंटेंस बताइए, वे एक घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर, स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे एक घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बताओ बच्चों, थोड़ा सा भूल गए आप। वैसे सिंस तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक घंटे से आएगा फॉर वन आवर। फॉर वन आवर, और लगेगा ऑन द स्टेशन। क्या लगेगा? ऑन द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पर है। स्टेशन पर, और पर यानी किसी के ऊपर, किसी के ऊपर के लिए क्या प्रपोजिशन लगता है? ऑन लगता है। सो दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर वन आवर। फॉर वन आवर, क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए अब देखते हैं, ये हो चुका हमारा, इसको अफर्मेटिव कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है बच्चों। आपने लगाया था हेड। क्या लगाया था? हेड। हेड के बाद बीन लगाते कि नहीं लगाते थे? इनके बीच में नॉट को घुसेड़ दो। क्या घुसेड़ दो? हाँ, हेड नॉट बीन। क्या जाएगा? हेड नॉट। बाकी पूरा का पूरा वही है। देखो, सब्जेक्ट है, हेड नॉट बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, ऑब्जेक्ट है, और टाइमिंग का सेंसेशन है जो भी आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। राम दो घंटे से नहीं घूम रहा था। राम दो घंटे से नहीं घूम रहा था। आंख बंद करके बोलिए, राम दो घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग। हाँ, फॉर टू आवर्स। बिल्कुल सही, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स। बिल्कुल सही।
वह चार बजे से पढ़ नहीं रहा था। वह चार बजे से पढ़ नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन सेंस आएगा, सेंस आएगा क्योंकि चार बजे फिक्स टाइम है, चार बजे फिक्स टाइम है तो सेंस फोर ओ क्लॉक। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सेंस फोर ओ क्लॉक। मैं सुबह से गाने गा नहीं गा रहा था। मैं सुबह से नहीं गाने गा रहा था। सिंगिंग सॉन्ग मॉर्निंग, बिल्कुल सही। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सुबह एक फिक्स पोजिशन है और उसके लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा। चलिए बताइए, अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। तो बहुत अच्छी सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगी डब्ल्यू एच फैमिली। क्या आएगी? डब्ल्यू एच फैमिली। उसके बाद हैड आएगा, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? बीन आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर जो भी होता है वो लगा दीजिए। बोलो क्लियर है बच्चों? चलिए इंट्रोगेटिव लिखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? चलो तो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ सेंटेंस को, और सेंटेंस है आपका, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? तो देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? तो कहाँ से स्टार्ट होगा? हेड से। कहाँ से स्टार्ट होगा? हेड से। हैड ही बीन स्टडिंग सेंस, वेरी गुड, बिल्कुल सही लग रहा है ये। हैड ही बीन स्टडिंग सेंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, ठीक ना। इसमें क्या स्टार्ट में आया, बाकी कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, इसलिए कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आएगा। क्लियर हुआ ना? चलो, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था? वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था? तो डब्ल्यू एच वर्ड बीच में है, कब, बताइए कैसे शुरू होगा? हाँ, सिंस वैन, सिंस वैन, ये लग गया डब्ल्यू एच वर्ड, सिंस वैन। कब से? कब से? हाँ, सिंस वैन। अब क्या आएगा? हेड। क्या आएगा? हेड आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? ही, सिंस वैन हैड ही के बाद क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, ठीक है बच्चों। सिंस वैन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, बोलो क्लियर है बच्चों? सिंस वैन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव। ये क्या था? इंट्रोगेटिव। तो देखिए यहाँ पे कब आया था, और कब के लिए डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है? वेन। क्या होता है? वेन। बट लिखा कब से, कब से, कब से मतलब समय की बात हो रही है, इसलिए तब आता है, कब से के लिए आता है सिंस वेन। क्या होता है? सिंस वेन, है ना। सिंस वेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, सिंस वेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। चलिए गाइस अगला देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। चलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब कि इसमें नेगेटिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली है, उसके बाद क्या है? हेड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या लगना है? नॉट लगना है। क्या लगना है? नॉट। जैसे अभी आपने सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट लगाया था, हेड नॉट बीन लगाया था, तो हेड तो आगे आ चुका है, तो नॉट यहाँ बीच में जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर जो भी होगा, पॉइंट टाइम ऑफ ड्यूरेशन लगा देंगे। बोलो क्लियर है ना? चलिए आइए सेंटेंस देखते हैं। क्या वह चार बजे से पढ़ नहीं रहा है? तो क्वेश्चन मार्क है, और क्या लगा है? तो ओके, क्या लगेगा? हैड, हैड। फिर क्या आएगा? ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक, है ना। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए? देखिए दो है, क्या वो पढ़ नहीं रहा था, है ना, और टाइम के लिए क्या बोल दिया? जब से पापा गए, जब से पापा गए। ओके, देखिए हमेशा नहीं सुबह से शाम से, जब युवराज का बर्थडे था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जब युवराज का बर्थडे था, तो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, यस, हैड ही नॉट बीन
had he not been studying since dad left. लेफ्ट मतलब चले गए, समझ गए ना, उस जगह से चले गए, जब से पापा गए तब से वो पढ़ नहीं रहा था। जैसे क्या आपको बोलते कमरे से, बोले लीव मी, मुझे अकेला छोड़ दो, है ना, अकेला छोड़ दो, तो है ना, तो लीव लेफ्ट लेफ्ट है ना, सिंस डैड लेफ्ट, जब से फादर गए। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये एडवांस लेवल का सेंटेंस है, लेफ्ट जो होती है वो पास्ट होती है, क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट जो होती है पास्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा, क्यों, जब से पापा गए, तो गए का मतलब क्या है, गए मतलब पास्ट है, गए का मतलब क्या है, पास्ट है, तो ये देखना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ गलती से कर आओगे, सिंस डैड लीव, नो सिंस डैड लीव नहीं करना, सिंस डैड लेफ्ट, क्योंकि ये सारी घटनाएं पास्ट में हो रही हैं, और पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकेंड फॉर्म, सो सिंस डैड लेफ्ट या सिंस फादर लेफ्ट, क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने पूरा कर लिया बच्चों। आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम ले करके आएंगे गाइज फ्यूचर टेस्ट, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को हम ले करके आएंगे, फ्यूचर बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसान से बनेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन, धन्यवाद।